अनुग्रह मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ मारा बींद अठिया। कहीं ना कहीं मैं अपने लिए भी थोड़ा श्रेय में लेना चाहूँगी क्योंकि मैंने मेहनत खूब करी है। ताल से ताल मिला के चलना है तो कहीं ना कहीं टू स्टे रेलेवेंट टू द टाइम्स। सो ऐसे भी आप जब डस्की होते हो, बंगाली होते हो, बड़ी बड़ी आँखें होती है तो लोगों को लगता है ये ऐसा ही रोल कर सकती है। एक डेढ़ साल ऑलमोस्ट घर बैठी थी, नॉन तर मुझे काम नहीं मिल रहा था, बट जो मिल रहा था मुझे लग रहा था वर्न डूइंग जस्टिस टू मी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती शांतनी घोष, जिन्होंने लिया है एक नया अवतार और हमारे साथ हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से हमेशा बात करने में, बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए, ये जो नया अवतार आपने लिया है, सबसे पहले इस किरदार के बारे में बताइए, थोड़ा इस लुक के बारे में बताइए। तो किरदार का नाम तो विंध्या देवी है, शो का नाम है दहेज दासी। राजस्थान पे बेस्ड शो है, रविंद्र गौतम और रघुवर शेखावत जी का शो है, और मेरे लिए ख़ास इसलिए है क्योंकि मैं पहली दफ़ा एक राजस्थानी कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। मैं राजस्थान की बहू हूँ, मेरे हस्बैंड जयपुर से बिलोंग करते हैं, मतलब है पहाड़ी बट बॉर्न एंड ब्रॉड अप इन जयपुर। सो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था जब ये शो मुझे और ये रोल मुझे ऑफर किया गया। शी इज़ द एंटागनिस्ट ऑफ द शो, एंड एक्चुअली जो नैरेटिव को आगे रन करती है वो थ्रू विंध्या देवी के थ्रू ही रन होता है। दहेज दासी एक प्रथा है राजस्थान में, जहाँ ठाकुरों के वहाँ जब कोई नई बहू आती है उसके साथ दहेज के सामान में एक लड़की को भेजा जाता है, जो अक्सर जो उनके घर में हवेली में काम करने वाले होते हैं उनकी बेटी ऐसे कुछ दासी के तौर पे भेजा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना एक कॉन्सेप्ट है, अ पार्ट ऑफ इंडियन, हमारे इंडियन ट्रेडिशन की बात अगर बोले तो। बट ये दिलचस्प इसलिए क्योंकि अभी तक इस कॉन्सेप्ट के बारे में शोज कुछ बने नहीं है, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इतना लोग एक्साइटेड है हमारे शो को लेके, बिकॉज इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट। और कैसे चुनरी जो ये दहेज दासी है वो विंध्या की हवेली में आती है और कैसे इन दोनों का एक क्लैश होता है। बीच में जो बेटा है जय, तो जय एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है क्योंकि वो विंध्या का बेटा है, वो चुनरी के पक्ष में भी कभी कभी जाता है, तो विंध्या इज ऑब्वियसली नॉट हैप्पी अबाउट दैट। बट बेसिकली दो जो थॉट प्रोसेस है चुनरी और विंध्या का, उसका क्लैश ये शो है, और दहेज दासी के जीवन में क्या क्या बाधाएँ आती है। But it is exciting. Like I said, playing a Rajasthani character for the first time, that's special and that was a challenge for me. अपने इस लुक के बारे में बताइए, बेस्ट पार्ट आपको क्या लग रहा है? हालांकि मुझे बहुत सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। बेस्ट पार्ट, या ऑनेस्टली बिकॉज आई थिंक मेरे लास्ट शो से ये बहुत ही हटके है, और मुझे जब ब्रीफ दिया गया कि दे वांटेड कि मैं ऐसी दिखूँ, तो एक मेरा इनपुट था विच आई थिंक हैज़ वर्क फॉर द लुक इज़ दिस बोल्ड काजल। बिकॉज जनरली आप जब टी वी में देखते हो ऊपर, ज़्यादातर एक्ट्रेसेस ऊपर लाइनर करती है, बट ऐसे थिक काजल बहुत कम लोग करते हैं। बट आई सजेस्टेड दैट टू द मेकर्स, टू द क्रिएटिव, एंड दे वर लाइक यस यस वी मस्ट, बिकॉज विंध्या का है वो, यू नो, आँखें बोलनी चाहिए। अगर जब मैं सीन्स भी करती हूँ, बहुत हाई ड्रामा सीन्स होते हैं, अगर डायलॉग्स ना भी हो, अगर वो खड़ी भी रहती है, मतलब एक लुक ही उनका काफ़ी होना चाहिए। सो आई थिंक दिस वॉज अ वेरी नाइस एडिशन, एंड ओवरऑल आई थिंक मैंने ऐसे लुक में कुछ किया नहीं है। सो मेरे लिए, यू नो, मैं हमेशा अपने हर इंटरव्यू यही बोलती हूँ कि एज एन एक्टर मैं हमेशा कुछ ऐसा करना चाहती हूँ इन माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट विच कीप्स मी एक्साइटेड। अभी वो अलग लुक में भी हो सकता है, जॉनर ऑफ द शो में हो सकता है, रोल में हो सकता है। इस शो में दहेज दासी में हर चीज़ नया है, लाइक आई सेड प्लेइंग राजस्थानी, एंड इट्स नॉट ईजी बिकॉज विंध्या का जो कैरेक्टर है वो ठेठ राजस्थानी में बात करती है। तो एज एन एक्टर, एज अ कैरेक्टर, इस शो में सबसे ज़्यादा राजस्थानी बोल मेरे लिए, मेरे पास ही है। सो उस चीज़ का ध्यान रखना, ऑफकोर्स वी हैड रीडिंग सेशंस, हमारे इनिशियली जो भी स्क्रिप्ट सेशंस हुए हैं डायलेक्ट के ऊपर, सो अठे आओ, बठे जाओ, बींदनी एंड टर्म्स लाइक दैट, सो इट डजेंट कम ईजी, एंड वो मेरे लिए चैलेंज था। लुक बहुत डिफरेंट है, एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज जब प्रोमो भी आउट हुआ था, इंडस्ट्री के जो मेरे कलीग्स हैं सब ने बोला वी कुडंट इमेजिन यू इन दिस। एक हो जाता ना एक इमेजिनेशन की शांतनी को ऐसे रोल में हम इमेजिन करते हैं, सो आई थिंक सो फार द हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जैसा कि आपने कहा कि यू नो आपका डायलॉग भी है, हर वर्ड भी है, कुछ अलग से इस पे आपने वर्कआउट किया इस भाषा के लिए, इस टोन के लिए? आई थिंक यू नो आई एम ब्लेस्ड टू हैव प्रोड्यूसर्स हु हैर वेरी एस इन देयर ओन फील्ड, ऑफकोर्स दे आर माई प्रोड्यूसर्स, पर रघुवीर शेखावत सब जानते जाने माने राइटर है, रविंद्र गौतम वन ऑफ द टॉप डायरेक्टर्स ऑफ आर इंडस्ट्री, सो क्रिएटिवली बहुत टॉप माइंड्स के साथ मैं काम कर रही हूँ। सो हमारे दो तीन रीडिंग सेशंस हुए, रघु जी हिमसेल्फ इज फ्रॉम जयपुर, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया भाषा पे, वी हैड अ डायलेक्ट कि मतलब हम जो कोचिंग वगैरह है वो सब है, एंड आई थिंक या विथ बिट ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि 20 साल से मैं काम कर रही हूँ, तो वो इनिशियल दो तीन सेशंस के बाद अब वो बैठ गए। फिर मैं घर जाके भी अनुग्रह मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ मारा बींद अठिया, सो ऐसे देखते रहता है। वैसे मैं जो कैरेक्टर करती थी इसके पहले जो था सिमसिम, उस रूप में मैं चली जाती थी, अब विंध्या के रूप में फॉर हस्बैंड। बट हाँ, मतलब जस्ट हेल्पफुल, आई थिंक रघु जी एंड रविंद्र सर हैव बीन वेरी हेल्पफुल।
जब हमने देखा ये आपका लुक ये सब कुछ, कहीं ना कहीं मुझे बालिका वधु की एक झलक नजर आई। आपको भी कुछ इस तरह के कमेंट मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं लोग इस चीज़ को? सी आई थिंक बालिका वधु वाज एन आइकॉनिक शो एंड यस, कॉमनैलिटी ये है कि दोनों राजस्थान पे बेस्ड है एंड रस्टिक थोड़ी हमारे रूट से जुड़ी हुई शोज है, बट उसमें कहानी ऑब्वियसली अलग थी, एक बालिका वधु की थी या दहेज दासी की थी, बट कॉमनैलिटीज तो फ्लेवर में है, बट वो तब बनी थी इतने सालों पहले, आज ये अब बन रही है, तो आई थिंक जमाने ज़माने में थोड़ा सा फ़र्क हो गया है, बट या बिट ऑफ कॉमनैलिटी, बट शो एंड स्टोरी वाइज तो काफ़ी डिफरेंट है। शांतनी जो भी काम चुनती हैं, जैसा आपने कहा कि थोड़ा अलग करना चाहती हैं, लुक भी अलग होता है, सब कुछ अलग होता है, एज ए कलाकार ये सब मैटर भी करता है कि आप हर दफ़ा कुछ अलग अलग किरदार में आए, मुश्किल होता है क्योंकि आपकी जो इमेज बनी होती है उसको तोड़ के फिर दूसरी इमेज लगाना वापस दिलों में, तो थोड़ा मुश्किल होता है? आई थिंक सी मेरे करियरग्राफ में मैं यही बोलूँगी, अगर मैं 20 साल से काम कर रही हूँ, इफ आई एम स्टिल रेलिवेंट, आई ग्रेटिट्यूड पूरे यूनिवर्स को, पूरे इंडस्ट्री को, ऑल मेकर्स, ऑल द प्रोड्यूसर्स, ऑल द नेटवर्क्स दैट आई वर्क विद, बट कहीं ना कहीं मैं अपने लिए भी थोड़ा श्रेय में लेना चाहूँगी क्योंकि मैंने मेहनत खूब करी है। देखिए हिंदी मेरी भाषा नहीं है, तो जब मैं मुंबई शहर आई थी 2006 में, नॉन बंगाली फ्रेंड्स थे बट इट्स नॉट समथिंग दैट आई स्पीक ऑन रेगुलर बेसिस, सो एंड मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मेरा काम ही मेरा गुरु रह चुके, तो मैं जो भी सीखा है, छोटा बड़ा कम ज़्यादा, मैंने सब ऑन द जॉब ही सीखा है, और मैंने हमेशा से ये कोशिश मैंने करी हाउ डू आई स्टे रेलिवेंट, बिकॉज जब मैंने 2006 में स्टार्ट किया था तब एक अलग दौर था, वो के सीरीज़ का दौर था, फिर एक दौर आया जहाँ पे बहुत रियलिटी शोज़ वो लाइक मोस्ट सिग्निफिकेंट, फिर ऑफ लेट अगर हम बोले मोटी टीवी है, सोशल मीडिया का भी इमरजेंस आ चुका है, तो अगर 20 साल से आपको ताल से ताल मिला के चलना है तो कहीं ना कहीं यू टू स्टे रेलिवेंट टू द टाइम्स, और मैंने अपने लिए वही अप्लाई किया हुआ है कि मैं जितने अलग अलग किरदार कर पाऊँ, मैं अपनी एज एन एक्टर मैं कितनी वेरियस रोल्स कर सकती हूँ वो अगर मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, मेकर्स तक पहुँचाऊँ, येस आई बीन फॉर्चुनेट कि मुझे अलग अलग रोल्स ऑफर हुए हैं, और जब ऑफर हुए हैं मैं ये मानना चाहूँगी कि मैंने उन पर जस्टिस किया है, सो वेदर यू से एंटागनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट, आई एम वन ऑफ द वेरी फ्यू एक्टर्स जिन्होंने दोनों ही किया है। नामकरण मेरा एक शो था जहाँ पर मेरा बहुत सुपर्बली पॉजिटिव रोल था, तो लोगों को लगता था मैं ही नीलामा हूँ या मैं ही दलजीत हूँ तेरा यार हूँ मैं, तो लोगों को लगता था मैं ही सिमसिम हूँ, और अभी लोगों को लगता मैं ही विंध्या देवी हूँ, सो आई थिंक येस आई बीन लाइक आई सेड लकी इनफ टू गेट दोज अपॉर्चुनिटीज़, बट मैंने काम भी किया एंड आई थिंक दैट्स हाउ आई स्टे रेलिवेंट, कि मैं कुछ अलग करूँ, मैं बंद ना जाऊँ, बिकॉज स्टीरियोटाइप होना बहुत ईजी है, एंड आई विल टेल यू बहुत टाइम ऐसा हुआ है क्योंकि मैं एक सर्टेन तरीके से दिखती हूँ इन पर्सनल लाइफ, सो ऐसे भी आप जब डस्की होते हो, बंगाली होते हो, बड़ी बड़ी आँखें होती है, तो लोगों को लगता है ये ऐसा ही रोल कर सकती है, सो यू नो जहाँ पे बहुत एक्सप्रेसिव रोल्स हो वो नेचुरली मेरे पास आता है, अरे ये तो यू नो बिकॉज इट्स ऑब्वियस आप कर पाओगे, पर थोड़ा हटके रोल्स लाइक व्हेन आई वाज प्लेइंग दलजीत, इनिशियली दे डिडंट वांट टू कास्ट मी, थिंकिंग मैं सरदारनी कैसे लगूंगी, बिकॉज अगेन स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, बट आई थिंक आई हैव बीन एबल टू ब्रेक दैट एंड दैट्स बीन माय मंत्रा कि मैं कुछ तो अलग करते रहूँ, या तो परफॉर्मेंस वाइज, या लुक वाइज, या जॉनर वाइज, एंड सो फार सो गुड, 20 साल निकाली, होपफुली और 20 साल निकाल लूंगी। आपने कहा यू नो वैसे आपके हर किरदार ने हिस्ट्री क्रिएट किया, चाहे वो नागिन का लुक हो, चाहे वो जो भी आपका सिम सिंगर, जो भी वॉट एवर लुक, सब ने बहुत पसंद किया। आपने कहा ना आपके डस्टी लुक की वजह से, या ऐसे कुछ रोल हैं जो आपको रिजेक्ट कर दिए गए जस्ट बिकॉज कि आपका लुक ऐसा है, ऐसा कभी हुआ आपकी लाइफ में? ऑफकोर्स even actually after Naagin became such a big hit in 2008, so the network had told me कि हम बहुत खुश हैं आपके टैलेंट्स और हम आपको और शोज़ में लेना चाहते हैं, बट आपकी आँखें इतनी बड़ी है कि यू नो आप गर्ल नेक्स्ट डोर नहीं लग सकते, बिकॉज यू लुक लाइक somebody हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन हर ओपिनियन, एंड तो हमें चाहिए जो एकदम थोड़ी सी सॉफ्ट दिखे, जो गर्ल नेक्स्ट डोर दिखे, दिस वॉज वन एग्जाम्पल। एक और शो था वो भी अगेन पंजाबी बेस्ड शो था, मतलब बातें ऑलमोस्ट लुक लॉक हो चुकी, बट दे सेड यू विल नॉट लुक अ पंजाबी, सो ऐसे बहुत स्टीरियोटाइपिंग मुझे तो मिला ही है बिकॉज ऑफ माई कम्प्लेक्शन, या बिकॉज मेरी आँखें, मेरे फीचर्स बहुत शार्प है, सो बहुत लोगों को लगा कि भाई ये सॉफ्ट वाले रोल्स कैसे कर पाएंगे, हालांकि इन माई करियर लाइक आई सेड नामकरण हो, या मेरी माँ बोल के एक शो था, या घर एक सपना विच वॉज माई फर्स्ट शो इज़ अ लीड, वहाँ पर मैं ऐसे यू नो जो एक ढांचा है डेली सो फिर इनका जो थोड़ी रोती रहेगी सॉफ्ट, वैसे रोल्स भी मैंने किया है, सो माई ओनली आई मीन देर आर ग्रेट ग्रेट एडवांटेजेस ऑफ आर इंडस्ट्री, बट द ओनली थिंग इज द सर्टेन स्टीरियोटाइपिंग, एंड आई डोंट थिंक इट्स ओनली द इंडस्ट्री, आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जहाँ पे क्योंकि मैं हमेशा अपने हर इंटरव्यू में बोल रही हूँ कि हमारी इंडस्ट्री एक सोसाइटी का हिस्सा है, तो सोसाइटी की जो थॉट प्रोसेस है कहीं ना कहीं इट्स रिफ्लेक्टिव ऑफ दैट, सो ऐसे ना लोगों को भी लगता है कि यू नो वी सीन स्टीरियोटाइपिंग, कि कोई ऐसे कपड़े पहन के आती है, मतलब अगर ये साड़ी पहन के आओ तो आप सुशील हो, आप थोड़े मिनी
स्कर्ट्स पहन के आओ, तब सुशील ना होते, ऐसे थॉट प्रोसेस होते हैं विच इज़ वेरी सैड. बट कमिंग बैक टू बींग एन एक्टर, माई ओनली थिंग इज़ कि यू नो आई वुड वॉन्ट कि जो थोड़े बहुत और ओपन माइंडेड हो जाए सब लोग. ऑफकोर्स पहले से बहुत सुधार आया है, हेंस आई कुड डू अ दिलजीत, यू नो आई हैव डन सच वेरियस रोल्स. बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो इट इज़ माई एक्सपर्टीज एज एन एक्टर. मैं हमेशा बोलती हूँ कि या तो मैं कोई बायोग्राफिकल शो अगर करूँ तो बात अलग है, क्योंकि मुझे फिजिकली किसी कैरेक्टर की तरह दिखना है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अब मैं बंगाली करूँ या साउथ इंडियन करूँ या पंजाबी करूँ, दिखाना कैसा है वो तो क्रिएटिव का हिस्सा है. मैं आप कपड़े ऐसे दो, मेकअप ऐसे दो, मैं अपने टैलेंट से एक्टिंग से वो कन्विंस कराऊंगी, उतना मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है. आई थिंक आई हैव डन दैट इन द पास्ट विद सो मेनी ऑफ माय रोल्स. सो या आई मीन अगर मैं एक रिकैप करूँ, स्टीरियोटाइपिंग मैं फेस कर चुकी हूँ, बट आई वुड लाइक टू बिलीव कि अभी मैं जहाँ हूँ होपफुली लोगों को मैंने ये सोचने पर मजबूर किया है कि शी कैन ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स. जैसे आपने बोला कि आपने ये फेस किया है स्टीरियोटाइप, बट कभी ऐसा हुआ कि आपने बोला नहीं अब मुझे यही तरह इसी तरह के रोल ऑफर आ रहे हैं तो मैं नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी जस्ट बिकॉज मुझे ये इमेज तोड़ना, ऐसा कभी हुआ? एक्चुअली ऐसा नहीं है. मतलब देयर वाज अ पीरियड ऑफ डेढ़ साल जहाँ मैं ऑलमोस्ट एक डेढ़ साल घर बैठी थी पोस्ट नागिन ओनली, बिकॉज अभी एक्चुअली ज़माना भी अलग है जहाँ पे अगर एक लीड है वो लीड एक शो ख़त्म होता है तो तुरंत उनको अगला शो मिल जाता है. 2007-08 में ऐसा नहीं था, बिकॉज लीड्स के ऊपर इतना एक बिकॉज अभी क्या है ना विजिबिलिटी बहुत मतलब सोशल मीडिया पर ये है तो लोग बहुत देखते हैं. तब ऐसा होता था कि अगर आप एक नागिन हो तो आप नागिन हो, तो वो इमेज बहुत स्ट्रांगली आपके जहन में रहती थी. तो तब ऐसा होता था कि एक शो का रैप अप होता, एक डाउन टाइम आपको दिया जाता था कि भाई इसका इमेज फेड अवे होने दो. तो मैंने वो फेस किया नागिन में, जब मैं एक डेढ़ साल ऑलमोस्ट घर बैठी थी, नॉन दैट मुझे काम नहीं मिल रहा था, बट जो मिल रहा था मुझे लग रहा था वर्न डूइंग जस्टिस टू मी. सो सी आई थिंक इट्स अ वेरी वन ऑन वन कॉल किस कौन किस पोजिशन में है जिंदगी में, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है. तो इतना सिंपल आंसर नहीं है इसका कि यार मुझे मनपसंद काम नहीं मिला तो मैं नहीं करूँगी, ऐसा नहीं है. आपको देखना पड़ेगा आपकी ज़िंदगी की सच्चाई क्या है, आपको काम की कितनी ज़रूरत है, आपको पैसों की कितनी ज़रूरत है. अगर मैं अपनी बात करूँ, लाइक आई सेड, मैं आई एम अ वर्को, सो आई एम अ वेरी थिंकिंग माइंड. तो मैं हमेशा कोशिश मैंने ये की है कि भाई जो भी जहाँ पर भी वेव है उस कदम से कदम में रखते हुए चलूँ. जब इनफैक्ट मैंने नामकरण या मैंने करण संगिनी बोल के भी शो किया था, तब मुझे लोगों ने पूछा था व्हाई यू प्लेइंग सच अ यंग मॉम. अभी भी मुझे पूछा जाता है लाइक इफ आई टॉक अबाउट विंध्या देवी, तो उन्होंने बोला व्हाई यू प्ले अ यंग मॉम. इसमें भी एक दिलचस्पी वाली बात ये, देखिए मैं बायोलॉजिकल एक सर्टन एज हूँ, बट ऑन स्क्रीन जब मैं 27-28 की थी ना, तब मैंने बैक टू बैक इतने शूज़ किए थे, तब मुझे ये बोला जाता था कि भाई आप ना 27-28 नहीं लगते हो, आप 30-32 लगते हो, बिकॉज एक स्क्रीन एज है. हमको लगता है या हम तो शांतनी को इतने अरसे से देख रहे हैं. अब मुझे उल्टा बोला जाता है, अब बोलते हो अरे यार आप मदर तो लगती नहीं हो. सो आई एम बायोलॉजिकली अ सर्टन एज. अब अगेन इट्स अ स्टीरियोटाइप. आप जब 40 प्लस की वुमेन की बात करते हो, आपके जहन में एक इमेज है कि 40 प्लस की औरत मतलब उसको ऐसा ही दिखना चाहिए. सो आई एम अगेन स्टक, ना मैं 27-28 लगती हूँ ना तो मैं 45 लगती हूँ. तो मेरे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आती है आई ट्राई एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. आई एम स्मार्ट दैट वे. एंड लकीली 20 साल में मैं बोलूँगी 70-75% ऑफ द टाइम मेरे पास कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हैज़ कम माई वे. और वो बहुत अच्छे रहे हैं जो भी आए हैं, और बहुत ही अच्छे रहे. अगर शांति से पूछें कोई ड्रीम रोल अभी है उनका कि इस तरह का रोल उनको अभी करना है? एक्चुअली से बहुत सारे रोल्स हैं, बट मैंने कुछ सी आई मुझे लगता है कि जो एक्शन हीरो टाइप्स होते हैं ना, वैसे एक एक्शन हीरो हाँ लेडी टाइप कुछ इंडियन टेलीविजन में हूँ, तो आई वुड लव टू डू दैट. आई लव डांस. सो मैं क्योंकि अभी हीरा मंडी का भी एक क्रेज चल रहा है, सो मैंने कुछ किया था रसिया बाई ऐसा ही बैरिस्टर बाबू में, बट वो छोटा सा कैमियो था. तो समथिंग लाइक दैट जहाँ पे यू नो देवदास काइंड जो एक पीरियड हो थोड़ा लैविशली हम शूट करें, एंड प्रॉब्ली समथिंग विच इज शॉर्ट इन ब्लैक एंड वाइट. आई डोंट नो टेलीविजन पे होगा कि नहीं, बट आई एम एन ओल्ड सोल, तो कुछ समथिंग विच इज़ वेरी पीरियड बेस्ड. आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक दैट. ओके. इसके अलावा शांति ये भी जानना चाहेंगे, चूँकि आपने इंडस्ट्री में इतने समय दिए हैं, 20 साल बहुत बड़ा समय होता है. अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कुछ एक्टर्स को रातों रात सेट पर से इसलिए रिप्लेस किया गया था जस्ट बिकॉज दे आर डेटिंग विथ ईच अदर, एंड उनका डायरेक्टर शो के प्रोड्यूसर का ये कहना था कि सेट का माहौल ख़राब होता है. बी एन एक्टर सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगी, ये कितना सही है कि मतलब अगर कोई डेट वेट कर रहा है सेट का माहौल ख़राब, मतलब आपके हिसाब से कितना सही है?
ऑनेस्टली मेरा एक शो था, मैं भी उस शो का नाम नहीं लूँगी, हमारा भी ऐसा एक क्लॉज था वे यू कॉन्ट डेट योर को एक्टर्स। देखिए अगेन ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है, इट्स अ वेरी ग्रे जोन। अगर कोई प्रोड्यूसर कोई क्लॉज रखता भी है, सबसे पहले तो मुझे पता नहीं कि ये क्लॉज था कि नहीं, आप जिस शो की बात कर रहे हो, बिकॉज उनके पक्ष के जितने मैंने सुना है ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। एग्जैक्टली सो अगर कोई प्रोड्यूसर कुछ भी क्लॉज रखे, आई एम श्योर वो प्रोड्यूसर के भी उनके भी कुछ ना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, उसी को लेकर आप फिर लाइक इवन एज एन एक्टर, मैं जो 20 साल पहले जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पर काम करती थी आज मैं वो नहीं करती, तो वी ऑल्सो इवॉल्व विद टाइम। ऑनेस्टली ऐसा कोई क्लॉज एक्चुअली अगर कोई रखना भी चाहे, इट डजेंट रियली होल्ड ट्रू, बिकॉज इट्स इमोशन। इफ़ यू फॉल इन लव विथ समबडी, आप उसको एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे तो आप काबू में नहीं कर सकते, एंड आई डोंट इवन थिंक एनीबडी एक्चुअली डज दैट। बाकी देखिए जो उस शो में हुआ क्या हुआ मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं शो का हिस्सा नहीं हूँ। जैसे आपने सुना है, मैं भी आई एम ऑल्सो अ स्पेक्टेटर टू इट, बट मैं ओवरऑल अगर बात बोलूँ, बिकॉज आई एम अ सीनियर ऑफ द इंडस्ट्री, एक सर्टन डिसिप्लिन और डेकोरम एक चीज़ है जिसका मैं हमेशा बोलती हूँ वो हमेशा होना चाहिए। मैं अपने ही जॉर्नी से ये बोलूँगी, देखिए लक फेवर करता है, यू कैन बी डेस्टिनी चाइल्ड, पर लक आपको एक शो दे सकता है, दो शो दे सकता है, पैसे खूब बना लोगे, बट आप लंबी रेस का घोड़ा तभी बन पाओगे। एक आप में टैलेंट होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी कंडक्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए, डिसिप्लिन, कंडक्ट, प्रोफेशनलिज्म। और क्योंकि एक जब शो बनता है या कोई भी शो बोलिए, फिल्म बोलिए, कोई भी जब ऐसा प्रोजेक्ट बनता है उसमें इतने सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं, सबकी रोजी रोटी है, ब्रेड एंड बटर है, सबकी मेहनत होती है। हम लोग तो ऐसे एक्टर्स दिख जाते हैं लेकिन पर्दे के पीछे लाइट दादा, स्ट्रेस दादा, इतने सब होते हैं। सो आई थिंक अ बेसिक डिसिप्लिन इज समथिंग विच, एंड दैट डिसिप्लिन शोज रिस्पेक्ट टू एवरी डिपार्टमेंट। तो कहीं पर भी किसी भी शो में अगर लैक ऑफ डिसिप्लिन हो, और वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, वेदर इट्स एन एक्टर और इवन समटाइम्स आई हैव एक्सपीरियंसेस शोज जहाँ डायरेक्टर माइक पे चिल्लाते हैं या यू नो वट एवर, भाषा सही नहीं होती, तो किसी भी तरीके का इनडिसिप्लिन आई डोंट थिंक टॉलरेटेड होना चाहिए। एंड अगेन ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिसीजन स्पेशली रातों रात कोई ले सकता है, मतलब वो रातों रात डिसीजन भले लिया होगा लेकिन वो डिसीजन को पहुंचने में आई एम श्योर दिस बीन अ जर्नी एंड देर ऑलवेज टू साइड्स टू अ कॉइन। इस बारे में तो मैं नहीं बोलूँगी बिकॉज मैंने दोनों पक्ष, मतलब जैसा आपने सुना है मैंने वही सुना है, बट मैं एक जेनरिक में बोल पाऊँगी कि अभी मुझे लगता है हाल फिलहाल जो न्यू ब्रीड ऑफ एक्टर्स आते हैं, देर इज़ अ लैक ऑफ डेकोरम एंड डिसिप्लिन। एंड अगेन गोइंग बैक टू सोसाइटी एट लार्ज, आजकल के बच्चे भी जो है ना, मुझे लगता है हम, अगर मैं अपने दौर की बात करूँ या मेरा भाई भी, देवर मोर ओबीडियंट। अभी बच्चे थोड़े ज़्यादा, एक तो इंस्टेंट वैलिडेशन उनको इतना मिल गया ना थ्रू सोशल मीडिया, सो आई थिंक दे आर चेजिंग द रॉन्ग थिंग्स। आई एम नॉट सेइंग दिस एनी हार्म इन चेजिंग सक्सेस एंड मनी, मुझे भी पैसा चाहिए, मुझे भी रुतबा चाहिए, बट एक बेसिक लव फॉर द क्राफ्ट जो भी हो, अभी एक्टर तो एक्टर कोई और प्रोफेशन, वो होना चाहिए। वो ऑनेस्टी अगर हो बाकी सारी चीज़ें उसके साथ आ जाती है। सो आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम एट लार्ज विद सोसाइटी, दैट पीपल ओवरऑल आर लैकिंग बिट ऑफ सिंसेरिटी बिकॉज देर सो इंस्टेंट, उनको सर पे चढ़ जाता है सक्सेस। सो आई थिंक हर शो में मैं तो यही बोलूंगी कि डिसिप्लिन डेकोरम होना बहुत जरूरी है, शो से बड़ा कोई। यस द शो इज एक्चुअली, लोगों को लगता है कि आप इररिप्लेसिबल हो, ऐसा नहीं है। ऑफकोर्स यू नो टू रिप्लेस एन एक्टर इज नेवर एन ईजी डिसीजन, स्पेशली वेन इट कम्स टू लीड एक्टर्स, बट द शो डज गो ऑन। यू नो वी हैव सीन तुलसी चेंज, यू हैव सीन मिहिर वीरानी चेंज, तो मतलब वो लोग तो तोप थे, अगर वो चेंज होता है शो ही एक्चुअली हीरो है। ऑफकोर्स आप मेहनत करते हो लेकिन एक जने के मेहनत से कभी शो नहीं बनता है, सो एवरीथिंग दैट्स इन द बेनिफिट ऑफ द शो हमेशा वही होना चाहिए। लास्टली जाना चाहेंगे, यू नो एक और खबर आई थी, आपने भी सुना होगा, कृष्णा मुखर्जी ने जो प्रोड्यूसर के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, बीन एक्टर सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप? ये देखो आप, ये तो एलिगेशन का मैं क्या है बोलूँ, मुझे पता नहीं अभी क्या, मतलब मैं दोनों में से किसी के भी पक्ष से कुछ बोल नहीं सकती या विपक्ष से भी कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि मुझे पता नहीं है। बट अगर कोई ऐसी वारदात होती है तो नहीं होना चाहिए। लाइक आई सेड अगेन कम्स बैक टू प्रोफेशनलिज्म एंड डिसिप्लिन, व्हाई ओनली एन एक्टर, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इस केस में क्या हुआ है मुझे नहीं पता, बिकॉज मैंने भी सोशल मीडिया पर पढ़ा है, कृष्णा का एक स्टांस पढ़ा है, उनके प्रोड्यूसर का एक और स्टांस पढ़ा है। अगर वो उस चीज़ से गुजरी है देन माई हार्ट गोज़ आउट टू हर, अगर नहीं गुजरी है देन माई हार्ट गोज़ आउट टू द प्रोड्यूसर ऑल्सो, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स यू सीन पीपल मिसकम्युनिकेशन की वजह से चीज़ें जो है वो कुछ अलग निकल के आती है, एंड इट इज़ अ वेरी बिग एलिगेशन कि अगर ऐसा होता है, इट्स नॉट ईजी यू नो, क्योंकि आज के दिन में कोई भी एलिगेशन दे दे आपको, देखिए इंस्टेंट व्यूअरशिप तो मिल जाएगी बट इतना ईजी नहीं होता कि आपने इतना बड़ा कुछ किया और इतने टाइम तक वो छुपा के रखा। सो इस केस में मुझे एक्चुअली नहीं पता क्या हुआ है, अगर हुआ है तो बहुत बुरी बात है और अगर नहीं हुआ है, फॉल्स एलिगेशन लगाया तो भी बहुत बुरी बात है। बट ओवरऑल मैं आई कम बैक टू माई पॉइंट सेइंग दैट ओनली कि यू नो आई थिंक बेसिक प्रोफेशनलिज्म एंड ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए, एनी थिंग विच इज़ अनप्रोफेशनल फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट वो टॉलरेट नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।